Hello everyone. Today we will look at this news. Ransomware attack cripples payment system at 300 small Indian banks. तो जैसा कि आपने न्यूज में सुना होगा और अगर आप इन बैंक्स के पेमेंट सिस्टम को या ऑनलाइन सिस्टम को यूज करते हैं तो आपने ये इशू पर्सनली फेस किया होगा दैट आप कल इनकी बैंक्स की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाए थे. तो चलिए जानते हैं इस न्यूज को और भी डिटेल में. देखिए कल जो ransomware अटैक हुआ था इसने 300 स्मॉल एंड इंडियन बैंक्स को ही अफेक्ट किया था. तो जो अगर आप लार्ज बैंक के कस्टमर हैं प्रॉब्ली सो यू वुड हैव बीन अनअफेक्टेड. और जो स्मॉल इंडियन बैंक दोज आर मोस्टली रूरल एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन. नाउ हाउ डिड दिस इवेंट हैपन? सो एक्चुअली दिस अटैक डिड नॉट डायरेक्टली अटैक बैंक्स बट इट अटैक्ड CS टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्मॉलर बैंक्स को. चलिए जानते हैं CS टेक्नोलॉजी ये है क्या. CS टेक्नोलॉजी इज ए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर विच प्रोवाइड्स ऑन सर्विसेज ऑन SaaS मॉडल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी इंडियन बैंक्स को. तो जब इनके सिस्टम पर रैंसमवेयर अटैक हुआ तो उसने जो बाकी के सिस्टम है उनको भी इफेक्ट किया. चलिए देखिए अब जब ये अटैक CS टेक्नोलॉजी पर रैंसमवेयर अटैक हुआ तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रिकॉशन लेते हुए CS टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है रिटेल पेमेंट नेटवर्क को उसको रोक दिया. ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस जो अटैक से किसी तरह का जो इंडिया के बैंकिंग के कस्टमर हैं उनको नुकसान ना हो. तो जैसा कि आपने मैंने पहले भी कहा था कि जो इसके कस्टमर्स हैं बैंक्स के दे वर अनेबल टू यूज वेरियस पेमेंट सर्विसेज. अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में 1500 कोऑपरेटिव एंड रीजनल बैंक है तो इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है एंड दीज आर ऑफ कोर्स मोस्टली बेस्ड इन द आउटसाइड द सिटीज. तो ये सिटीज के बाहर है बियॉन्ड द सिटीज. नाउ लेट्स ऑल्सो नोट दिस पॉइंट कि जबकि ये अटैक 300 बैंक्स पर हुआ लेकिन ये जो बैंक हैं दे ओनली रिप्रेजेंट 0.5% ऑफ इंडिया टोटल पेमेंट सिस्टम वॉल्यूम. तो बिकॉज ये बैंक रूरल एरिया में बेस्ड हैं जहां पर जनरली बिजनेस नहीं होते हैं और वहां पर जो रिलेटिवली पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज लिविंग मोस्टली देयरफॉर जो पेमेंट के वॉल्यूम है दे आर लेस व्हेन इन कंपैरिजन टू द बिजनेस सेक्टर एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड एज वेल एज द पीपल हु अर्न मोर दे आर मोस्टली बेस्ड इन द सिटीज. इस अटैक से इसने सीरियस कंसर्न रेज किया हुआ साइबर सिक्योरिटी मेजर अबाउट द रूरल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो 300 बैंक का एक साथ अफेक्ट होना इज अ बिग थिंग एंड आई एम श्योर दिस विल बी लुक्ड इनटू बाय द अथॉरिटीज. एंड इस समय पर इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है वो चल रही है कि क्या डैमेज हुआ है और इस जो फर्दर इशू है उसको रोका जा सके. सो दिस वॉज द न्यूज. रैंसमवेयर, ये रैंसमवेयर होता क्या है और इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है और प्रिवेंटिव मेजर कैसे लिए जाते हैं. देखिए रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर. ये एक सॉफ्टवेयर है जो भी विक्टिम होता है उनके सिस्टम्स में उनकी फाइल्स को उनके सॉफ्टवेयर को एक्सेस जो है उसको डिनाई कर देता है और उनसे एक पेमेंट मांगता है कि आप हमें ये पेमेंट कीजिए उसके बाद ही आप अपने सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को जो है आप एक्सेस कर पाएंगे. ऐसा इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है और कंपनीज के साथ भी हो सकता है. अब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, इंपैक्ट हम देखते हैं. सबसे पहले तो इसका फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा. जैसे कि बैंक अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके जो कस्टमर अगर यूज नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से जो उनके जो रेवेन्यू था एक दिन का या बोलते जितने भी दिन ये रैंसमवेयर अटैक चलता है उसका नुकसान यहाँ पर होता है. दूसरा ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ठीक है, आई एम श्योर देयर वुड हैव बीन थिंग्स जो कि बैंक्स को करने थे. आज की डेट में 31st भी था और वहां पर टैक्सेस की फाइलिंग भी होनी थी जो सारी कंप्लायंस, तो वो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई होंगी इस वजह से. तो ऑपरेशनल इशू भी आ गया. ठीक है, इसके साथ ही डाउन टाइम आएगा बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द सिस्टम देन इट इज अ डाउन टाइम. देयर इज अ डेटा लॉस, डेटा को भी चुराया जा सकता है क्योंकि अगर जो रैंसमवेयर अटैक करने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको एक्सेस है तो वहां से वो डेटा को कर सकते हैं. दूसरी चीज, एक रेपुटेशनल डैमेज भी होता है. मान लीजिए अगर बच्चों स्मॉल बैंक में अटैक हुआ तो कल के दिन हो सकता है आप स्मॉल बैंक में अपना अकाउंट ना खोलना चाहें. ठीक है, उसमें कस्टमर का ट्रस्ट इंपैक्ट होगा और बिजनेस रिलेशनशिप भी इंपैक्ट होंगे बिकॉज लोग अगली बार सोचेंगे कि हम इनके पास अकाउंट नहीं खोलते हैं, कहीं और पर अकाउंट खोलते हैं, लार्ज बैंक में अकाउंट खोलते हैं बिकॉज प्रॉब्ली वो ज्यादा सेफ है. तो ये इनके इंपैक्ट होते हैं. अब
टेक्निक्स क्या होती है, व्हाट आर द टेक्निक्स, कैसी टेक्निक्स के थ्रू ये रैंसमवेयर अटैक होता है। तो सबसे पहले तो फिशिंग ईमेल, आपको एक ईमेल आएगा जो आपको बिल्कुल ही जेन्युइन सा लगेगा, और जब आप उस पर एक्सेस करेंगे या क्लिक करेंगे या उसमें से कुछ डाउनलोड करेंगे तो आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है उस पर रैंसमवेयर अटैक हो जाएगा। दूसरा, मैलिशियस डाउनलोड। समटाइम यू कैन, जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पायरेटेड फिल्म या कुछ फिल्म डाउनलोड कर रहे हैं या सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हैं, वहाँ से भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड में हो सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको एक रैंसमवेयर अटैक के विक्टिम आप बन सकते हैं। तीसरी चीज है वल्नरेबल इन सॉफ्टवेयर। तो कई बार सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें किसी कोड में या किसी और भी चीज में, उनके जो सिस्टम की डिजाइन है उसमें कुछ ऐसे वल्नरेबिलिटी हो सकती है, जिन जो रैंसमवेयर अटैक करने वाले लोग इस चीज का फायदा उठाकर आपके सिस्टम को यू नो हैक कर सकते हैं, और उसको रैंसमवेयर, आप रैंसमवेयर के विक्टिम बन सकते हैं। एंड दिस इज इक्वली ट्रू फॉर नॉट जस्ट इंडिविजुअल बट ऑल्सो फॉर द कंपनीज। व्हाट आर द मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर रैंसमवेयर अटैक? तो ऐसी केसेस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी होनी ही चाहिए, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि वो रैंसमवेयर अटैक्स के कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे डील करेंगे। इसके बाद रेगुलर बैकअप होना चाहिए ताकि डेटा लॉस वगैरह उसको प्रिवेंट किया जा सके। इम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर आर पीपल हु कैन डील विद दिस इशूज। इसके बाद एडवांस एंटीवायरस का यूज, और एक फायरवॉल बनाया जा सकता है, ठीक है, इस ये फायरवॉल प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को बाहर की एंटिटी के द्वारा। तो दीज आर द मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। नाउ लेट्स ऑल्सो लुक एट सम प्रिवेंटिव मेजर। ऐसे क्या मेजर लिए सकते हैं कि आपके ऊपर अटैक ही ना हो? सबसे पहले इसमें मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जरूरत है, बहुत सारी चीजें करनी होगी, जैसे नेटवर्क सेगमेंटेशन। आप जो नेटवर्क है कंपनी का, और जैसे बहुत सारे बैंक उनको डिफरेंट पार्ट्स में सेगमेंट किया जा सकता है, ताकि अगर एक जगह अटैक हो तो सारी जगह पे ये ऐसा अटैक ना हो। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल, ऐसा जो एक्सेस का कंट्रोल हो सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का, वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको आसानी से एक्सेस ना कर सके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेट्रा से लेके और भी जो मेजर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। साथ ही कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम टू इंश्योर दैट सिस्टम इज यू नो आर मंस रैंसमवेयर अटैक आर डिटेक्टेड, एंड इफ देयर इज यू नो देयर इज एन अटेम्प्ट टू कंडक्ट एन रैंसमवेयर अटैक दैट इज आल्सो डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटिव मेजर कैन बी टेकन। देन देयर इज रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट जो कि होनी चाहिए, एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम, ये सारी चीजें की जा सकती है रैंसमवेयर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं दे कैन बी यू नो वेरी क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इट्स इंपॉर्टेंट कि उनका जो असेट्स है, उनका डेटा है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अटैक होने के बाद ली जाएं, और प्रिवेंसिव मेजर पहले लिए जाएं ताकि ऐसे तरीके के अटैक ना हो और इस रिस्क को कम किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है आप जिसके बारे में और जानना चाहते हैं और चाहते हैं हम ये वीडियो बनाएं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन।